ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सेल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चल रहा था और क्वेश्चंस कराते हुए चल रहा हूं, और आई होप आप टेंशन मेंबर से कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे खुद से भी। बट अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी थोड़े बहुत टॉपिक्स में क्वेश्चन आए थे और वो हमने डिस्कस कर लिए, बट अब जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, देखो आप लोगों से आज क्वेश्चन की स्लाइड नहीं दिख रही, क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं दिख रही, वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे थोड़ा खाली एक पेज चाहिए, क्वेश्चंस के साथ मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ पेंशन मेंबर्स। ये टॉपिक है जो मुझे आपको हमेशा रिवाइज कराना पड़ेगा, अगर ये टॉपिक मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ पेंशन मेंबर्स, ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूं, डिजाइन स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, मेंबर की कैपेबिलिटी कि वो कितना फोर्स को बियर कर सकता है, कितने फोर्स को झेल सकता है। मैं अगर आपके सिंपल सा स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो स्ट्रेंथ क्या है, एक मेंबर की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है कि वो एक फोर्स को झेल ले और उसके अंदर फेलियर ना हो। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर का मतलब क्या, आपको एक ऐसा फोर्स डिटरमाइन करना है जो कि आपके टेंशन मेंबर्स के ऊपर लगेगा जिससे आपका मेंबर का फेलियर नहीं होगा। दैट मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्स विच इज सेफ फॉर द टेंशन मेंबर, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे बात करी कि मेंबर का फेलियर नहीं होना चाहिए, मेंबर का फेलियर नहीं होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको मेंबर का फेलियर पढ़ना पड़ेगा। टेंशन मेंबर्स के कौन कौन से फेलियर्स होते हैं, सबसे पहला फेलियर है, आप ध्यान से देखना, मैं आपको तीन फेलियर्स पढ़ाऊंगा, तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेलियर बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, सबसे पहला फेलियर जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं भाई, अगर आपको किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए आपको फेलियर, स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि एक सेफ लोड जो मेंबर बियर कर ले, झेल ले ताकि फेलियर ना हो, तो उसके लिए वैसे पहले फेलियर्स तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फेलियर से पता नहीं होंगे तो आप कैसे पता करोगे। सबसे पहले लिखा फेलियर बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। अभी यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है भैया, देखो सिंपल सी बात है, यील्डिंग का मतलब एक ही है कि मेंबर के अंदर इतना एक्सेसिव इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन ना हो, मेंबर के अंदर आपका इतना एक्सेसिव मतलब एक्स्ट्रा इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन आपका ना हो। आपको क्या करना है, मेंबर के अंदर इस इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, टू अवॉइड फेलियर यू हैव टू प्रिवेंट डिफॉर्म एक्सेसिव इलोंगेशन। दैट मीन्स आपको मेंबर के अंदर इतना फोर्स लगाना है कि मेंबर के अंदर एक्सेसिव डिफॉर्मेशन या एक्सेसिव इलोंगेशन ना हो। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्ट्रेस ऑन ग्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, अब तो प्लीज ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपसे लिखा कि किसी, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ का मतलब एक सेफ लोड, आपको एक सेफ लोड डिटरमाइन करना है जो कि आप मेंबर के ऊपर लगा सकते हो और उसका फेलियर ना हो। तो फेलियर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा कि एक फेलियर हो सकता है कि मेंबर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन हो जाए। अब अगर आपको मेंबर के अंदर एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन या बहुत ज्यादा इलोंगेशन बचाना है, तो आपको मटेरियल का जो स्ट्रेस है, क्या लिखा मैंने, स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस सेक्शन शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस ऑफ मेंबर। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर आपको किसी भी टेंशन मेंबर के अंदर आपको बचाना है कि उसके अंदर एक्सेसिव इलोंगेशन या एक्सेसिव डिफॉर्मेशन ना हो, तो जो भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो उस मटेरियल के यील्ड स्ट्रेस से, दैट मींस मटेरियल के आपने ऊपर फोर्स लगाया, मटेरियल के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, मटेरियल के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक एक्सटर्नल स्ट्रेस डेवलप होगा, एक्सटर्नल स्ट्रेस डेवलप होगा मटेरियल के आपने ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया या मेंबर के ऊपर, मेंबर के ऊपर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक्सटर्नल स्ट्रेस जनरेट होगा। अब ये जो एक्सटर्नल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ना, ये लेस देन होना चाहिए यील्ड स्ट्रेस ऑफ मेंबर। दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो ये स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू, ये लिख दे रहा हूं मैं, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल, और जरूरी नहीं एक्सटर्नल फोर्स हो, डेड लोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप हमेशा ये मत सोचना एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने लगाया। अब जब अब अगर मैं डेड लोड की बात करता हूँ तो मेंबर का जो खुद का वेट है वो तो खुद का लोड है ना, तो एक्सटर्नल मतलब हमने भी फोर्स लगाया, बट इतना लगाना चाहिए कि जो उसके कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हमेशा मेंबर की जो मटेरियल है उसके यील्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक को, आप टेंथ स्टार दे देना। मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि जेई और एई आपका 100% कवर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आजकल जेई में भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एई में भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि थोड़ी वैकेंसी कम हो, मतलब अभी अगर हम देखें तो पहले थोड़ा सा जैसे हम एसएससी की बात करें थोड़ी वैकेंसी रिड्यूस हो गई है, तो अगर वैकेंसी रिड्यूस होगी तो हमें अपना लेवल पहले से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमेशा वैकेंसी रिड्यूस होगी, वैकेंसी बढ़ेगी वैसे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे वैकेंसी, ऐसा मत सोचना कि सर क्या वैकेंसी घटती रहेगी, नहीं वैकेंसी बढ़ेगी वैसे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी। क्योंकि देखो अभी मैंने फील करा कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, इंडिया में कंस्ट्रक्शन आज की तारीख में बहुत, आपको पता है बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इतना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वैकेंसी तो जनरेट ही होनी चाहिए, वैकेंसी रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है आज की तारीख में। तो होप नहीं छोड़नी है कि अगर एक बार एसएससी की वैकेंसी कमाएगी तो हमेशा कमाएगी, हमें बढ़ेगी भी से। ठीक है, आगे की बात ध्यान रखते हैं। तो अब समझ में आए, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे, हम एक काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं आपको बात करूं, अगर मैं अब आपसे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करूं तो वो क्या है आपका टी। अगर अब मैं आपसे एक्सटर्नल स्ट्रेस की बात करूं, स्ट्रेस जनरेट हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, जो स्ट्रेस जनरेट हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एरिया हम यील्डिंग में लेते हैं वो हमेशा लेते हैं ग्रॉस एरिया, क्योंकि कहीं पर नेट आएगा कहीं पर ग्रॉस आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं पर नेट आएगा कहीं पर ग्रॉस आएगा तो आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस क्या होता है, टी अपॉन एजी। टी क्या है, जो हमने फोर्स माना जिसकी वजह से एलोंगेशन हो सकता है, और एजी क्या माना हमने, जो सेक्शन का ग्रॉस सेक्शन एरिया। ग्रॉस सेक्शन एरिया क्या मतलब होता है, जिसमें आपने होल्स रिड्यूस नहीं करें, जो होल्स का एरिया होता है, जो हम होल्स करते हैं उसका जो एरिया होता है हम रिड्यूस कर देते हैं नेट एरिया में, बट ग्रॉस एरिया में सब इंक्लूड करके चलते हैं, होल्स का एरिया भी इंक्लूड करेंगे और जो रिमेनिंग सेक्शन है वो भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अब देखो हमने क्या बताया कि जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ग्रॉस एरिया लेना है, शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस, शुड बी लेस देन यील्ड स्ट्रेस। तो अगर आप देखोगे यहां से तो आपका एक्सटर्नल फोर्स शुड बी लेस देन एफ वाई बाई एच, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है शुड बी लेस देन एफ वाई इंटू एच। ठीक है, अब अगर मैं आपसे डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करूं कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या लेंगे, तो क्योंकि डिजाइन स्ट्रेंथ में हम हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। अगर आप बोलोगे सर डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सा है कि मान लो एक मेंबर, देखो अभी मैं स्लैब पर खड़ा हूं, ये एक स्लैब है जिस पर मैं खड़ा हूं, डिजाइन का मतलब क्या होता है, मान लो स्लैब जो है वो चार लोगों का वेट को झेल सकता है, फोर मेंबर्स को झेल सकता है कि क्रैक नहीं होता। डिजाइन क्या बोलता है, ध्यान से देखना कि अगर इस स्लैब ऐसी कुछ कैपेसिटी है कि अगर आप चार लोग भी खड़े हो जाओगे तो ये क्रैक नहीं होगा, बट जैसे मान लो मैं एक टाइल में खड़ा हूं, अभी ये टाइल में क्या इसकी कैपेसिटी क्या है कि अगर आप चार लोग खड़े हो जाओगे तो ये टाइल क्रैक नहीं करेगी, बट अगर आप पांच छह लोग खड़े हो जाओगे, पांच लोग भी खड़े हो जाओगे तो ये टाइल ब्रेक हो जाएगी। तो हमारा कंस्ट्रक्शन, हमारा सिविल इंजीनियरिंग हमसे ये बोलता है, कि अगर ये टाइल आपके चार मेंबर्स के लिए, अगर ये टाइल आपके चार मेंबर्स के लिए सेफ है बट पांचवें मेंबर में ब्रेक हो जाएगी, तो कभी भी हम इसको चार मेंबर के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि चार अल्टीमेट है, चार अल्टीमेट है लोड जो ये टाइल झेल सकती है, पांच के बाद ये फेलियर हो जाएगा। तो हम कभी भी अल्टीमेट पे नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको फिर दो या तीन लोगों के लिए डिजाइन कर देंगे, हमें पता है चार भी नहीं टूटेगा, बट हम कंस्ट्रक्शन में हमेशा एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि चार है, पांच पे टूट जाएगा टाइल तो हम चार पर भी डिजाइन नहीं करते, हम चार से भी कंपेयर करेंगे, हम दो के लिए कर देंगे, हम तीन के लिए कर देंगे। उसी तरीके से अगर हमें पता है
कि अब आपको यील्डिंग है तो जो फोर्स होना चाहिए वहां पर ये F5 by gross section of AG होना चाहिए, बट जब मैं डिजाइन स्ट्रेंथ की बात आपसे करूंगा दैट मीन्स TDG, ये क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन या मेंबर ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन विच इज इक्वल टू टी अपॉन गामा एम नॉट। अब आपको गामा एम नॉट क्या करना, ये एक ऐसा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो कि यूज हो रहा है इन यील्डिंग, याद रखना गामा एम नॉट इज इक्वल टू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द यील्डिंग ऑफ सेक्शन, फॉर द यील्डिंग ऑफ सेक्शन आपको चीजें ध्यान रखनी है विच इज इक्वल टू 1.1। अब आप ध्यान से देखना, ये खुद में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये खुद में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ लेगा कि जब टेंशन मेंबर में, एक सेकेंड, वो आपसे पूछ लेगा, वो आपसे पूछ लेगा टेंशन मेंबर में, आप बोलोगे आप मुझे गालियां दे रहे होंगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराओ ना, अरे भाई साहब इस कॉन्सेप्ट के बिना मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा ही नहीं पाऊंगा। और मैंने आपसे क्या बोला कि आपको कोई भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपने अगर स्टील स्ट्रक्चर्स भी नहीं पढ़ा होगा ना तो भी आपकी क्वेश्चन कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूं, बस हल्का से याद रखना वेल्डिंग क्या होता है, बोल्टिंग क्या होता है, रिवेट्स क्या होता है, चैनल सेक्शन क्या होता है, आईएस एनबी क्या होती है, आईएस एचबी क्या होती है, ये थोड़ी बहुत मतलब आपको बस एक घंटे की नॉलेज याद रखनी है, पूरा स्टील स्ट्रक्चर्स मत पढ़ो, बस आप हल्का सा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एक घंटे या दो घंटे में कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स की कोई बुक नहीं खोली है। बुक क्यों नहीं खोली? क्योंकि भाई साहब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलता हूं, इसलिए नहीं खोली है, ठीक है। तो गामा एम नॉट क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द यील्डिंग ऑफ सेक्शन। क्योंकि जब मान लो, ये जरूरी नहीं है कि ये जो पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है ये हमेशा 1.1 ही होगा, ये 1.25 भी होगा। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ओनली फॉर द यील्डिंग ऑफ सेक्शन। मान लो अब आप बोले कि सेक्शन टूट जाता है, मान लो रप्चर हो गया सेक्शन का, तो ये 1.25 बन जाएगा, ये हर एक चीज के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ आ रही है विच इज इक्वल टू टी, जो भी फोर्स है, अब देखो ना जैसे मान लो ये 10 है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो फोर्स आया था 10 किलोन्यूटन, मान लो ये जो टाइल है ये 10 किलोन्यूटन का फोर्स झेल सकती है, उसके बाद इसका फेलियर हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा, इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया, क्या दे दिया 1.1, 10 डिवाइडेड बाय 1.1, दैट मींस ये 10 किलोन्यूटन का लोड झेल सकती थी। मान लो जो चार लोग, एग्जांपल हो कि चार लोग हैं, उनका वेट 10 किलोन्यूटन है, ये झेल सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पर उसके बाद इसमें फेलियर हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा। अब इसको स्टील समझो, मतलब टायर है, टायर तो ब्रिटल होती है, बट हम स्टील समझ के बात कर रहे हैं, ये तो ब्रिटल है, तो ब्रिटल में तो इलोंगेशन ज्यादा होगा नहीं, ब्रिटल में तो 5% से कम इलोंगेशन होता है, मैंने आपको स्वॉम में पढ़ाया। हाँ, बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर स्वॉम, बस ये स्टील की यूनिट खत्म होती है स्वॉम की यूनिट खत्म होती है कंप्रेशन मेंबर खत्म होती है स्वॉम की दूसरी यूनिट टॉर्शन मोशन आ जाएगी, फिर टॉर्शन खत्म होती आपका इसमें हम बीम चालू कर देंगे, इस तरीके से हम स्टील और स्वॉम साथ में लेके चलेंगे। अब एक बच्चा बोल रहा था सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दो यार, मेरे को स्वॉम में नहीं आ रहा फ्लूइड मैकेनिक्स, मुझे कुछ, मैं स्टील के साथ स्वॉम लेके चल सकता हूँ, स्वॉम हमारा स्टील पहले खत्म हो जाएगा फिर हम फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करेंगे, बट अभी यार स्टील सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। एक तो मेरी लाइफ ऐसी डिस्टर्ब रहती है, दुनिया भर के कांड होते रहते हैं मेरे साथ, है ना, कभी टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, तो यार एक स्टील चालू हो रहा है उसको प्लीज डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगर आप देखोगे तो टीडीजी हमारे पास क्या गया इन द सेट, किसके लिए ये? ये ओनली यील्डिंग ऑफ सेक्शन है, यील्डिंग ऑफ सेक्शन क्या होता है, एक्सेसिव इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन। टीडीजी इज इक्वल टू टी अपॉन गामा एम नॉट। अगर आप यहां से देखोगे तो टी क्या आया आपके यहां पे, F5 into AG, तो दैट मींस ये आ गया हमारे पास टीडीजी इज इक्वल टू FY मल्टीप्लाई बाय AG अपॉन में गामा एम नॉट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आप लिख लो, क्योंकि ये पूरा मिटाऊंगा मैं, पानी देता हूँ बता दो, ये पूरा आप जब रजिस्टर बना रहे हो अपना क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो ना, क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट भी लिखो। मान लो आपने एक रजिस्टर बना रखा है फॉर क्वेश्चंस ओनली, क्वेश्चंस एक क्वेश्चन का अलग से रजिस्टर बना लेना, क्वेश्चंस करते जाओ, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता आ रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को लिखते जाओ, फिर क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चंस का एक अलग रजिस्टर बनाओगे आप लोग, ध्यान रखना। ठीक है भाई, इसका सेकंड पेज भी मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब फर्स्ट
हमारा जो फेलियर होता है टेंशन मेंबर में, वो फेलियर मैंने आपको पढ़ाया, फेलियर ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब क्या हो सकता है सेकंड फेलियर, कि आपका सेक्शन टूट जाए, जहां पर आपने बोल्ट लगाया हुआ है वो सेक्शन आपका टूट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रप्चर। क्या बोलेंगे, रप्चर, या फिर क्या बोलेंगे, फेलियर बाय नट सेक्शन रप्चर, फेलियर बाय नट सेक्शन रप्चर। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, मैंने बोला जहां पर आपने मान लो बोल्ट्स लगाए हुए हैं, जहां पर आपने रिवेट्स लगाए हुए हैं, वो सेक्शन आपका टूट जाए, तो इसका मतलब है जहां पर आपने बोल्ट लगाए हुए होंगे, जहां पर आपने बोल्ट लगाए हुए होंगे, वहां पर 100% आपने, वहां पर 100% आपने होल्स करे होंगे। प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन में ग्रॉस एरिया आता है, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन में ग्रॉस एरिया आता है। बट अगर हम बात करते हैं फेलियर बाय नेट सेक्शन रप्चर, रप्चर का मतलब है जहां पर आपने बोल्ट्स या रिवेट्स लगा रखे होंगे वो आपका टूट गया, रप्चर का मतलब टूट नहीं होता है। तो अगर रप्चर की वजह से आपका सेक्शन टूट गया, पसीना आ गया, गर्मी आ गई ना, अगर हम रप्चर की बात करें तो रप्चर का मतलब टूट गया, और टूटने का मतलब आपने बोल्ट्स या रिवेट्स लगाए होंगे, और अगर आपने बोल्ट्स या रिवेट्स लगाए होंगे, अगर आपने बोल्ट्स या रिवेट्स लगाए होंगे, इसका मतलब है कि उसमें से होल्स डिटेक्ट करे होंगे। तो याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं फेलियर बाय नेट सेक्शन रप्चर, हमेशा कौन सा एरिया आता है, नेट एरिया, क्योंकि रप्चर हो रहा है तो होल्स आपने निकाल दिए तभी रप्चर हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फेलियर बाय नेट सेक्शन रप्चर, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस, अब ध्यान से देखना, रप्चर का मतलब क्या होता है, टूट गया, रप्चर का मतलब क्या होता है, टूट गया, और टूटने का मतलब देखो दो स्ट्रेस लिखता हूं, Fy and Fu. What is Fy? Yield stress. अगर हम स्टील की बात करें तो उसमें दो स्ट्रेस आते हैं, एक आता है yield stress, एक आता है ultimate stress. What is yield stress? जहां पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं yield stress. What is yield stress? मटेरियल के ऊपर आपने फोर्स लगाया, मटेरियल ने अपने अंदर स्ट्रेस जनरेट करा, अब ऐसा स्ट्रेस आपने फोर्स आपने लगाया जिसकी वजह से उसके अंदर जो देखो सीरीज इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल, स्टील इलास्टिक भी है, स्टील प्लास्टिक भी है, स्टील इलास्टिक भी है, स्टील प्लास्टिक भी है, उसके अंदर इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होगा और रिकवर हो जाएगा, प्लास्टिक का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन होगा बट रिकवर नहीं होगा। तो यील्ड स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होता है कि अगर आपने यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा, जो भी उस स्टील का यील्ड स्ट्रेस है, अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल स्ट्रेस जनरेट कर दिया, तो मेंबर के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा जो कि रिकवरेबल नहीं होगा, जो रिकवर नहीं होगा। बट अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करता हूँ कि अगर आपने मेंबर के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेस लगा दिया, मतलब जो आपने एक ऐसा फोर्स लगाया जिसकी वजह से एक ऐसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है जो कि स्टील के अल्टीमेट स्ट्रेस से भी ज्यादा है, स्टील के अल्टीमेट स्ट्रेस से भी ज्यादा, जैसे हम Fe 250 की बात करते हैं, Fe 250 का यील्ड स्ट्रेस क्या होता है 250, और Fe 250 का अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है अप्रोक्स 410 मेगापास्कल्स, मेगापास्कल्स। अगर आपने मान लो 270 लगा दिया तो स्टील के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, मतलब इलोंगेशन हो जाएगा बट वो रिकवर नहीं होगा। अगर आपने स्टील के अंदर 430 लगा दिया तो मेंबर का अगर टूट जाएगा, यहां पर क्या हो रहा है, हमारा मेंबर टूट रहा है। तो अब आप खुद बता दो मैं कौन सा स्ट्रेस यूज करूं, अब आप खुद बता दो मैं कौन सा स्ट्रेस यूज करूं जब आपका मेंबर ब्रेक हो रहा है, वैसा यील्ड स्ट्रेस आएगा, दैट मींस आपको मेंबर के ऊपर ऐसा फोर्स लगाना है, दैट मींस आपको स्ट्रेस, ये मिटा लूं मैं, ये तो समझ में आ रहा है, इसके लिए जगह हमारी क्लियर है, स्ट्रेस आपके ऊपर, स्ट्रेस ऑन नेट सेक्शनल एरिया, नेट चाहिए ना, नेट नेट एरिया चाहिए, स्ट्रेस और नेट सेक्शनल एरिया शुड बी लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मेंबर। अगर आपको फेलियर बाय नेट सेक्शन रप्चर देखना है तो पहली बात तो नेट एरिया आएगा, और टूट रहा है तो अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जब आप थके आ रहे, मान लो तुम मध्य प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश भोपाल के हो, भोपाल से आप नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है ना। तो जैसे लाइक मेरे बहुत सारे जान पहचान के हैं जो गुवाहाटी में एग्जाम देने गए, तो आप मान लो भोपाल के हो और आप गुवाहाटी में एग्जाम देने जा रहे हो,
अब थक जाओगे ना, तो थक के भी तो एग्जाम देना है यार, घर के पास तो सेंटर आता नहीं है, थक कर एग्जाम देना ना, थक कर एग्जाम देने के लिए सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। आपको मेरा चेहरा याद आएगा एग्जाम में कि सर ने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि हाँ नेट में अगर यील्डिंग की बात करिए सेक्शन की तो यील्ड स्ट्रेस आएगा, और अगर रप्चर टूटने की बात करिए तो अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा। ये मेरी बात ही आपको एग्जाम में याद आने वाली है सारी की सारी, ठीक है। तो स्ट्रेस ऑन नेट सेक्शन एरिया शुड बी लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मेंबर, ठीक है भाई। डेट मींस हम आप बोल सकते हैं वही फोर्स को टी मान लेते हैं, फोर्स को टी मान लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को टी, और यहां पर एरिया कौन सा यूज होगा, नेट एरिया, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर मैं बात करूं तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया शुड बी लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मेंबर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसकी डिजाइन की, टी डी एन, वो ग्रॉस एरिया पर था, ओ सॉरी मैंने मिटा दिया, वो ग्रॉस एरिया पर था। जब यील्डिंग की बात करते हैं तो ग्रॉस एरिया लेते हैं, तो उसमें टी डी जी लिखा था, यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं वो नेट एरिया यूज कर रहे हैं। जब हमने ग्रॉस की बात करी थी तो हमने टी डी जी लिखा था, और जब हम नेट की बात करें हम टी डी एन लिखा था। इसी इक्वल टू टी अपॉन गामा एम वन। अब देखो यहां पर वापस एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ गया, बट यहां पर मैंने क्या लिखा है, उधर मैंने क्या लिखा था गामा एम नॉट, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं गामा एम वन, विच इज इक्वल टू गामा एम वन, विच इज इक्वल टू 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन रप्चर, इन रप्चर, पार्शियल सेफ्टी मेंबर इन रप्चर। आई होप आपको स्टील में मजा आ रहा होगा। टेंशन मेंबर अच्छी यूनिट है, समझाओ तो बहुत आसान है। देखो ये जो कुछ सब्जेक्ट है ना, ये जो कुछ आपके सब्जेक्ट है लाइक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर्स और सॉम, ये तीनों से सब्जेक्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया ना एक बार। आरसीसी में तो थोड़ी सी इक्वेशंस याद रखनी पड़ती है, आरसीसी में तो लाइक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना आपको रखना पड़ेगा, आरसीसी में थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। अगर ये चीजें समझ में आ गई ना, तो इसको अगर आप एग्जाम में रिवाइज करोगे, लाइक आपका कोई एग्जाम और आपने स्टील स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक या दो दिन लगेंगे पूरे स्टील स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करने में, एक या दो दिन लगने वाले बस आपको, एक या दो दिन से ज्यादा आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो गामा एम1 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन रप्चर, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आपको ध्यान से देखना है, मैं ये पूरा लिख रहा हूं TDN, अरे यार देखो ध्यान से कहां तक आ गया, TDN इज इक्वल टू टी अपॉन गामा एम1, TDN इज इक्वल टू टी अपॉन गामा एम1, वेयर इज गामा एम1 इक्वल टू 1.25, ठीक है। अब टी की बात करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या आएगा, ये देखो इधर से क्या आ जाएगा, ये एन में मल्टीप्लाई करो टी, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी लेस देन एफ यू बाय ए, आगे बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स शुड बी लेस देन एफ फाइव मल्टीप्लाई ए, एफ सॉरी एफ, अरे 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 एफ यू, एफ यू, एफ यू, एफ यू, एफ यू मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ध्यान से एफ यू बाय ए एन मल्टीप्लाई बाय गामा एम। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, क्या, अगर हम प्लीज ध्यान से लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टीमेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, मैं आपके एग्जांपल ले रहा हूं बहुत अच्छा, दैट मींस हम ध्यान से लेना, हम सबकी एक वैल्यू ले लेते हैं, एफ यू को हम ले लेते हैं 10, ए एन को ले लेते हैं हम 20, और गामा एम एन को हम ले लेते हैं 1.25 जो भी होता है, बस कुछ भी वैल्यू ले ली मैंने। आपको एक बहुत बड़ा चीज दिखाता हूं मैं, चलो एक मेंबर है, एक टेंशन मेंबर है, प्लीज ध्यान से देखना, एक मेंबर है आपका टेंशन मेंबर है, उस पर उसकी आपको डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब क्या है, उसकी आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, प्लीज ध्यान से देखना। देखो अगर हम एफ यू क्या करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एम क्या आपका एमएम स्क्वायर, और ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। ये टीडी अगर मैं इनकी यूनिट अभी देखना, आप यूनिट आप बोलोगे सर डिजाइन स्ट्रेंथ होता क्या है, अगर आप बोलोगे सर डिजाइन स्ट्रेंथ होता क्या है, अभी बता देता हूं ना, देखो एफ यू मल्टीप्लाई बाय एन, एफ यू यूनिट क्या है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एफ यू यूनिट क्या है न्यूटन पर, ए एन यूनिट क्या है एमएम स्क्वायर। अब आप बोल रहे सर डिजाइन स्ट्रेंथ होता क्या है, स्ट्रेस होता है, फोर्स होता है, अभी दिखा देता हूं,
फाइनली क्या बचा है न्यूटन, क्योंकि गामा एंड न्यूटन यूनिटलेस है। दैट मींस ये एक फोर्स होता है भाई साहब, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि डिजाइन है, फोर्स है ना, देखो यूनिट क्या है इसके निकल के न्यूटन है। डिजाइन स्ट्रेंथ होता क्या है, एक ऐसा फोर्स होता है जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डिजाइन स्ट्रेंथ आपका एक ऐसा फोर्स होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ आपका एक ऐसा फोर्स होता है जो कि सेफ होता है। अगर ये सेफ लोड आपने लगाया, मतलब इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते मेंबर में, आपके मन में डाउट हो सकता है सर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, भाई साहब ये एक ऐसा सेफ फोर्स है कि अगर आप मेंबर के, अगर आप पहले वाले भी हमने डिजाइन फोर्स डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करी थी, लाइक हमने यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन में भी, जो हमारा यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन था, उस यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन में भी हमने डिजाइन स्ट्रेंथ निकाली थी। वो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या थी कि एक ऐसा सेफ फोर्स है जो अगर आप लगाओगे तो उसके अंदर यील्डिंग में फेलियर नहीं होगा। अब अगर आप ये वाली बात करते हैं, ये कौन सा नेट रप्चर, सेक्शन का रप्चर है, अगर आप सेक्शन पे इतना सेफ लोड लगाओगे, इससे ज्यादा नहीं लगाना, इससे कम लगा सकते हो, ये कैसा सेफ लोड है, अगर आपने मेंबर पे लगाया तो मेंबर के अंदर फेलियर नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखना, तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, देखो 20 मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एन कितना था 20, एफ यू कितना था 10 इंटू 20 अपन 1.25, ध्यान से देखना 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 160 न्यूटन। तो अगर मैं अगर इस सेफ लोड की बात करूं तो हमारा सेफ लोड क्या है, 160 न्यूटन अगर आप लगा दोगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती आएगी वैसे लोड, फिर भी हम क्या करते हैं, अब आप ध्यान से देखना, हमारे TDN आता है FU by AN by gamma L। अब बस आप हल्का सा एक चीज याद रखो, आपको बस एक हल्की सी चीज याद रखनी है, क्या याद रखोगे आप, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि यील्डिंग में यील्ड स्ट्रेस यूज होता है, यील्डिंग में यील्ड स्ट्रेस यूज होता है, और नेट सेक्शन रप्चर में अल्टीमेट स्ट्रेस। डिजाइन क्या करता है, बोलता है कि भाई साहब देखो पिछला वाला तो यील्ड स्ट्रेस था, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस कम होता है और अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है, अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मेंबर के अंदर फेलियर हो जाएगा। तो डिजाइनर क्या बोलता है, आप इस वैल्यू को और कम करो, पिछली बार हमने वैल्यू को कम नहीं करा क्योंकि वो यील्ड स्ट्रेस था, यील्ड स्ट्रेस के बाद अल्टीमेट स्ट्रेस आने में बहुत, यील्ड स्ट्रेस 250 है तो अल्टीमेट, मान लो अगर हम एफई 250 की बात करते हैं तो यील्ड स्ट्रेस अगर 250 है तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आपका 410 420 430 तीनों आता है, बट ये तो अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो डिजाइनर बोलता है, आईएस कोड बोलता है कि आप इस स्ट्रेंथ को और रिड्यूस करो, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस से हम लोग रिस्क, हमने ऑलरेडी पार्शियल फैक्ट्री सेक्टर ले लिया है, बट आप इसको और कम करो। तो डिजाइनर क्या बोलता है, आप इसको एक काम करो 0.9 कर लो, जो भी वैल्यू आ रही है ना, आप बताता हूं एफ यू इंटू ए एन बाय गामा। डिजाइनर बोलता है कि भाई साहब ये डिजाइनिंग क्या है पूरी अल्टीमेट स्ट्रेस पे, तो आप थोड़ा इसको और रिड्यूस करो, कहने का मतलब क्या है, अब देखो 160 को 160 मल्टीप्लाई बाय 0.9 144, कहने का मतलब क्या था कि 160 भी सेफ है, बट डिजाइनर या आईएस कोड के जो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जिन्होंने आईएस कोड डिजाइन करा है, वो बोलते हैं कि भाई साहब आप इसको और रिड्यूस करो, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, कहने को तो 160 न्यूटन भी सेफ है, बट आप इसको और रिड्यूस करो और फाइनल सेफ पे ले लो 140, 160 को 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 आ रहा है, 144, तो समझ गए, कहने का मतलब क्या है कि जो नेट रैप्चर सेक्शन है उसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ आती है, जो नेट सेक्शन रैप्चर है, जो नेट सेक्शन रैप्चर रप्चर है उसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ आती है, हम उसको और रिड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई साहब उसमें अल्टीमेट स्ट्रेस यूज होता है, और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है कि अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस लग गया तो आपका मेंबर का फेलियर हो जाएगा। पूरा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, इस टॉपिक के पढ़ने के बिना क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपसे होंगे ही नहीं। मैं पानी भी लेता हूं, मुझे प्यास लग रही है। अब जो फेलियर, तीसरा फेलियर जो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल मजाक मजाक भी हो जाएंगे। तीसरा फेलियर जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से देखना, क्योंकि वो सबसे क्रिटिकल और टिपिकल है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो सब, उसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फेलियर बाय ब्लॉक शीयर, फेलियर
बाय ब्लॉक शियर। इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें फेलियर ऑफ ब्लॉक सेशन होता है, अभी बता देता हूं, दो प्लेट है, ढंग से बनाते चलो, हम मजा आ जाएगा, लो ढंग से बना देते। अरे यार ढंग से बनाए तो मजा आएगा। ये प्लेट है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं। अब इस प्लेट के ऊपर मैं एक बार प्लेट ज्वाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। इस प्लेट के ऊपर हमने एक प्लेट रखी और इसको ज्वाइन कर, कितना बढ़िया लग रहा है ना, ध्यान से देखना तभी मजा आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन दो प्लेट्स को हमने किससे ज्वाइन करा, इन दो प्लेट्स को हमने रिवेट से या बोल्टिंग से किसी से भी टच कर लिया, रिवेट या बोल्टिंग से किसी से भी हमने टच कर लिया, मतलब ज्वाइन कर लिया, क्या कर लिया, रिवेट या बोल्टिंग से, क्योंकि वेल्डिंग में तो होल्स करने की जरूरत पड़ती नहीं है, हमने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया, अब आपने फोर्स लगा दिया, अब आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, लगा दिया फोर्स, आपने फोर्स लगा दिया। इस ब्लॉक शियर को समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, अब आप ध्यान से देखना, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ब्लॉक शियर फेलियर, अब अगर मैं आपसे ब्लॉक शियर फेलियर की बात करूं, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। ये है ब्लॉक शियर फेलियर, कह रहे हैं आप लोग, क्या है ये पूरा का पूरा टुकड़ा, अगर हम रप्चर की बात करें तो रप्चर हो सकता है किसी एक सेक्शन से हो जाए, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। रप्चर का मतलब होता है कि किसी एक सेक्शन से टूट जाए, और ब्लॉक शियर फेलियर का मतलब क्या है, जितने भी रिवेट्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, अगर हम बात करें लाइक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब मैं आपके सामने ब्लॉक शियर फेलियर बना रहा हूं, ध्यान से देखना तभी मजा आएगा, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान से देखना। ये रिवेट्स थे या होल से, जो भी इसमें फास्टनर यूज करा है, रिवेट से बोल्ट, देखो सेम टू सेम बना रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4 कैसे फेलियर हुआ दिखा देता हूं, भाई साहब पूरा ही टूट के निकल गया, पूरा ही टूट कर निकल गया, ये पूरा टूट कर बाहर आ गया ऐसे, ये पूरा सेक्शन टूट के बाहर आ गया, फोर्स लग रहा था, डिब्बे पर फोर्स लग रहा है, पी पी, इसको बोलते हैं भाई साहब ब्लॉक शियर फेलियर। और अगर हम, अगर मैं इस रिमेनिंग सेक्शन की बात करूं, रिमेनिंग सेक्शन कैसा होगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रिमेनिंग सेक्शन को चार्ट किस तरीके से, अरे यार सर्कल करना रहता है,
रिमेनिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना, एक प्लेट टुकड़ा टूटकर पूरा पूरा टुकड़ा टूटकर आपका बाहर निकल गया, ये इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, एक दो तीन, एक दो तीन, देखो इसको बोलते हैं, ये येलो आपको दिख रहा है, मैं एक बार देखूं, हाँ बिल्कुल ध्यान अच्छे से दिख रहा है, इसको बोलते हैं भाई साहब ब्लॉक शीयर फेलियर। ये है आपका ब्लॉक शीयर फेलियर। इस टॉपिक को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। क्या करा मैंने ब्लॉक शीयर फेलियर में, एक पूरा टुकड़ा जो था, एक पूरा टुकड़ा जो था वो टूट कर बाहर आ गया, एक पूरा टुकड़ा जो था वो आपका टूट कर बाहर आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखना, वरना आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं ब्लॉक शीयर फेलियर है क्या, देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये पहली बात तो फोर्स कौन सा है, आपने दो स्ट्रेस पढ़े थे, आपने दो स्ट्रेस पढ़े थे, एक आपने पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस और एक आपने पढ़ा था शीयर स्ट्रेस। अगर मैं इन दोनों डिफरेंस, अगर इन दोनों स्ट्रेस के बारे में आपसे सिंपल सा पूछूं तो क्या होता है, सर नॉर्मल स्ट्रेस होता है कि जिसमें फोर्स किसी भी एरिया पर परपेंडिकुलर लग रहा है, सबसे टिपिकल टॉपिक है ब्लॉक शीयर फेलियर। क्या होता है कि पूरी प्लेट ही बाहर आ गई टूटकर, जितने भी रिवेट्स थे पूरा टूटकर बाहर आ गया। अगर हम लोग ब्लॉक शीयर फेलियर के बारे में डिस्कस करें तो ब्लॉक शीयर फेलियर क्या है, ये भाई साहब प्लेट पूरी टूट के आ गई, प्लेट पूरी टूट कर आ गई, और हम मैंने बोला नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस देखोगे, पहली बात तो नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, खींचने वाला फोर्स है ना, कौन सा फोर्स लग रहा है, सर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ध्यान रखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं सेक्शन 1 2 3 के बारे में, अगर मान लो टेंसाइल फोर्स के लिए या नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर चाहिए, किस किस सेक्शन में यहां पर फोर्स परपेंडिकुलर है, देखो एक तो सेक्शन 3 4, एक तो सेक्शन 3 4 और एक सेक्शन 1 6, सेक्शन 1 6। सर ये ऐसे सेक्शन है, अगर मैं सेक्शन 3 4 के बारे में बात करूं, मैं सेक्शन 1 6 के बारे में बात करूं, तो फोर्स सर इन दोनों पर परपेंडिकुलर लग रहा है, और जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है किसी भी एरिया के ऊपर तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। और नॉर्मल स्ट्रेस में भी कौन सा फोर्स लगा है, सर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, सर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो सेक्शन 3 4 और सेक्शन 1 6 में जो फेलियर हुआ है उसको हम बोलते हैं टेंशन फेलियर। प्लीज ध्यान से देखना, टेंशन फेलियर, सेक्शन 3 4 और सेक्शन 1 6 में जो फेलियर हुआ है, सेक्शन 3 4 और सेक्शन 1 6 में जो फेलियर हुआ है, यार ये टॉपिक पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं मान नहीं सकता। तो सेक्शन 3 4 और 1 6 ऐसे सेक्शन है जिसके ऊपर टेंशन फोर्स लगा हुआ है, और सर जो फेलियर होगा वो आपका टेंशन फेलियर होगा। अब इसको मिटा दूं, चलो ऊपर लिख देता हूं। अब सेक्शन 1 2 3 और सेक्शन 4 5 6, सेक्शन 1 2 3 एंड सेक्शन 4 5 6, 4 5 6, अगर आप देखोगे तो फोर्स यहां पर अलोंग का डायरेक्शन है या पैरेलल है। जब भी किसी मेंबर के ऊपर पैरेलल फोर्स लगता है, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, शीयर स्ट्रेस। यहां पर क्या मेंबर टूटकर बाहर आ गया, हाँ आ गया। आप देखोगे कि सेक्शन 1 2 3 और 4 5 6 के ये देखो ना फोर्स लगा हुआ है। आपको ये टॉपिक बहुत, क्योंकि बुक्स में टॉपिक अच्छे से नहीं रहेगा, बट मैं आज आपको ब्लॉक शीयर पढ़ाऊंगा, आपको बहुत आसानी से मजाक में समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो सेक्शन अगर मैं 1 2 3 की बात करूं, 6 4 5 6 के अंदर तो फोर्स पैरेलल है और ये भी टूट कर बाहर आ चुका है, तो यहां पर जो फेलियर है वो क्या है आपका, शीयर फेलियर। शीयर फेलियर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें दो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपका और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेक्शन 3 4 को मैं चाहूं तो काट भी सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये देखो यहां से टूटा नहीं, टूटा यहां से 1 6 से टूटा है, 3 4 से थोड़ी टूटा है, वो तो प्लेट का हिस्सा पर, देखो टूटा ना से 1 6 से टूटा है, 3 4 से काट, देखो यहां से टूटा हुआ दिख रहा है आपको, नहीं ये मेंबर तो यहां से नहीं टूटा, टूटा कहां से, 1 6 से, तो हमने सेक्शन 3 4 काट दिया।
बट अगर हम सेक्शन 1, 2, 3 के बारे में बात करें और 4, 5, 6 बारे में करें तो दोनों जगह से टूटता है। तो हमने बेस कहने का मतलब है टेंशन में आपको जनरली एक जगह कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि एक जगह से टूटता है, टेंशन में एक जगह से टूटता है, ये वाला सेक्शन नहीं टूटा है, इस जगह से टूटा है, हमने कोशिश करो मेरी बात। और वहीं पर अगर हम शियर फेलियर की बात करें तो वो 1, 2, 3 क्योंकि पैरेलल फोर्स था और 4, 5, 6 दोनों जगह से टूटता है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो पूरा ब्लॉक इसलिए बोलते ना फेलियर बाय ब्लॉक शियर फेलियर, इस फेलियर बाय ब्लॉक शियर फेलियर में दोनों फेलियर होते हैं। दैट मींस ब्लॉक शियर फेलियर मींस ब्लॉक शियर फेलियर मींस कंबाइंड फेलियर और कौन कौन से, अगर मैं पूछूं कौन कौन से कंबाइंड फेलियर है, एक टेंशन फेलियर है, टेंशन फेलियर ऑन वन प्लेन, टेंशन फेलियर ऑन वन प्लेन एंड शियर फेलियर ऑन अदर प्लेन एंड शियर फेलियर ऑन अदर प्लेन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉक, देखो ब्लॉक शियर फेलियर लगता ऐसा है कि जैसे ओनली शियर फेल हुआ है, नहीं, ब्लॉक शियर फेलियर का मतलब है, ब्लॉक शियर फेलियर का मतलब है कि आपका दो फेलियर हुए हैं, एक प्लेन पर शियर फेलियर हुआ है और एक प्लेन पर, यार एक सेकंड रुको यार, मैं इसका एक्सेंड इसका बैकग्राउंड चेंज कर लूँ, वेट करो क्योंकि ये तीसरा पेज मेरे को काम में आएगा, वेट करना आप, ठीक है सर चेंज कर दिया मैंने। आपको लग रहा होगा कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हो, सर आपका हमारा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने का तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा, आप तो पागल हो। मैं बोल लूंगा मैंने आपसे क्या प्रॉमिस करा है, मैंने आपसे ये प्रॉमिस करा है कि आपको कोई भी बुक नहीं उठानी फॉर कॉन्सेप्ट्स, आपको कोई बुक नहीं उठानी फॉर रिवीजन, आपको कोई बुक नहीं उठानी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको ना कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के इसे कुछ रिवाइज नहीं करना, आपको ना कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ना रिवीजन करना है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने, तीनों काट दिए मैंने, स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, हवा निकल जाती है बड़े बड़ों की पढ़ाने में, देख लेना स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाले इंडिया में ना 100 भी नहीं मिलेंगे तो तरीके से पढ़ा रही है। हाँ यार इसका कितने आपने टीचर्स को देखा और बोले हाँ यार इसका स्टील स्ट्रक्चर्स मुझे पूरा समझ में आ गया, अरे भाई साहब मैं आपको सरकारी एग्जाम से क्वेश्चंस करा रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कोई बुक मत पढ़ो, कोई रिवीजन नहीं करना, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखना, कोई हैंडबुक नहीं पढ़नी, नो हैंडबुक, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसमें ना ये हवा नहीं जाती, कोई टीचर बोल नहीं पाएगा कि इन चारों को पढ़ना, अब अगर यार इन चारों कटा रहा हूँ थोड़ा तो भाई साहब रिवीजन करना पड़ेगा, अब वो रिवीजन कौन कराएगा, सर कराएंगे आपके, गुरुदेव कराएंगे आपके, गुरु जी कराएंगे आपके। तो ये जो मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ना इसको बिल्कुल भी ये मत बोलना कि सर आप तो यार आपने तो फिर वही टीचिंग करनी है, वो पढ़ाना चालू कर दिया आपने, अरे भाई साहब यार मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ और वो भी ऐसा रिवाइज करा रहा हूँ जो आपको कहीं से नहीं करना, तो मेरे को कुछ बोलना मत इस चीजों के लिए, ठीक है भाई। मेरे में एक कमी है कि मैं अपनी परिस्थिति के कारण इररेगुलर हो जाता हूँ जो कि मैं स्वीकार भी करता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है कि वो सीरियसली मैक्सिमम टाइम तो हेल्थ इश्यूज रहे, या कभी फेस्टिवल्स आ गए, मेरी एक कमी है, मेरी एक ही कमजोरी है कि मैं भाई साहब इररेगुलर हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को मजा आता है इररेगुलर होने में, मैं हर बार ट्राई करता हूँ, मैं इररेगुलर नहीं होना चाहता, मैं तो खुला बोलता हूँ यार, देखो आप लोग कितने लोग लेक्चर्स देखोगे, मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि हाँ मेरी परिस्थितियों के कारण मैं इररेगुलर हो जाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं मजा आ रहा है मुझे, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ या फिर दोस्तों के साथ जा रहा हूँ या फिर भाई साहब चलो शाम को मजे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, परिस्थितियाँ थोड़ी ऐसी हैं जिस कारण हो जाता हूँ, और हर बार ट्राई करता हूँ कि इररेगुलर हो, फिर उठता हूँ, देखो रेगुलर होता हूँ फिर रेगुलर होता हूँ, हल्की सी कमी बस मेरे अंदर ये है, बट पढ़ाने में तो आप मुझ पर कुछ भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते, पढ़ाने में तो आप मैं आपका 0.001% भी पॉइंट आउट अपने ऊपर लूंगा नहीं, इररेगुलरिटी के कारण ले लूंगा, पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो ब्लॉक शियर फेलियर होता है वो एक ऐसा फेलियर है जो कि कंबाइंड फेलियर है जिसमें टेंशन फेलियर होता है और एक शियर फेलियर होता है, ठीक है।
अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एबीजी, आपको ध्यान रखना है एक शियर है और एक टेंशन है। तो एबीजी क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इन शियर। ग्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि एक ग्रॉस होगा और एक आपका नेट होगा। व्हाट इज एवीएल? एवीएल जी मतलब ग्रॉस और एवीएल नेट सेक्शनल एरिया इन शियर। दो एरिया, एक तो एवीजी है, हम ऐसा सेक्शनल एरिया लेंगे ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन शियर, और व्हाट इज एवीएल नेट सेक्शनल एरिया, नेट सेक्शन एरिया इन शियर। अब दूसरा फेलियर क्या था सर? दूसरा फेलियर था टेंशन में, तो ए टी जी ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन टेंशन, ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन टेंशन, ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन टेंशन। एंड व्हाट इज ए टी एन नेट सेक्शनल एरिया, नेट सेक्शनल एरिया इन टेंशन। ये सारे एरिया आपको ध्यान रखने, एक मैंने एक लिया मैंने ग्रॉस एरिया और एक लिया मैंने आपका नेट एरिया, एक लिया ग्रॉस एरिया एक लिया आपका नेट एरिया। अब आपको ध्यान से देखो, मैं आपको दो फॉर्मूलास बता रहा हूं डिजाइन स्ट्रेंथ के। किसके? डिजाइन स्ट्रेंथ के। एक होगा टी, सॉरी डिजाइन स्ट्रेंथ हमेशा डी, टी डी बी वन और एक टी डी बी वन। एक है आपका टी डी बी वन और एक है आपका टी डी बी वन। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर फेलियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर फेलियर। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं ए वी जी, ए वी जी क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए वी जी? ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन शियर। व्हाट इज एफ वाई? यील्ड स्ट्रेस रूट थ्री बाय गामा एम नॉट। अब अगर आपको ध्यान हो गामा एम नॉट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। व्हाट इज गामा एम नॉट? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन यील्डिंग, इन यील्डिंग प्लस एटीएन नेक्स्ट सेक्शनल एरिया इन टेंशन, एटीएन। और जब भी नेक्स्ट सेक्शनल एरिया तो हम कौन सा स्ट्रेस लेते हैं? एफयू। और एफयू जब भी आता है तो आपके साथ क्या आता है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम। यार ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले एवीजी, ग्रॉस सेक्शन एरिया इन शियर। व्हाट इज एफवाई? यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड, सॉरी यील्ड स्ट्रेस रूट थ्री मल्टीप्लाई गामा एम। व्हाट इज गामा एम? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन यील्डिंग। व्हाट इज एटीएन? नेक्स्ट सेक्शनल एरिया। व्हाट इज एटीएन? नेट सेक्शनल एरिया इन टेंशन। व्हाट इज एफयू? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज गामा एम? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन रप्चर, इन रप्चर। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान देना। यहां पर हमने एवीजी लिखा है, किसमें लिखा है? शियर में। अब हम लेंगे नेट, 0.9 नेट सेक्शनल एरिया इन शियर। और जैसे ही नेट आ जाता है, नेट देखो ग्रॉस के साथ हमेशा यील्ड आता है और नेट के साथ हमेशा क्या आता है? एफयू। और जैसे ही एफयू आ गया आपके साथ क्या जाता है? गामा एम वन। दैट मीन्स हमने दो इक्वेशन लिखी है, एक बार हमने शियर का ग्रॉस लिखा और टेंशन का नेट लिखा, फिर हम दूसरी बार शियर का नेट लिख रहे हैं मतलब नेट एरिया ले रहे हैं और टेंशन का क्या ले लेंगे हम? ग्रॉस एरिया प्लस ए टी जी एफ वाई गामा एम नॉट। अब देखो आपको इसको याद रखना, गामा एम नॉट, एक सेकंड यार मैं ढंग से लिख देता हूं, गामा एम। आपको क्या ध्यान रखना है? हमने एक ऐसी इक्वेशन ली है, हमने एक ऐसी स्ट्रेंथ इक्वेशन लिखी है जिसमें एक बार ग्रॉस आएगा शियर का और इसी इक्वेशन में नेट आएगा टेंशन का, फिर दूसरी इक्वेशन में हमने क्या लिखा है? एक बार नेट आएगा शियर का और ग्रॉस आएगा टेंशन का। अब अगर आप बोलोगे सर डिजाइन स्ट्रेंथ, एक सेकंड इसको मैं डब्बे में डाल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डब्बे में डालना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें सर डिजाइन स्ट्रेंथ,
इन ब्लॉक शियर फेलियर डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर फेलियर मिनिमम ऑफ टी डी बी वन एंड टी डी बी टू लिखो इसको पूरा लिखो और इसके मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर बाद क्योंकि अब देखो ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो मैं थोड़ी देर बाद इवनिंग में मतलब थोड़ी देर बाद तो नहीं इवनिंग में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू लेक्चर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको लेक्चर दे दूँ तो इसको आप एक बार देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मतलब कुछ समझ में ना आने वाली बात ही क्या यार आपको मैंने क्या बोला पढ़ाने में तो आप मुझे 1% डाउट नहीं कर सकते हाँ इररेगुलरिटी के लिए आप गाली दे सकते हो मुझे और मैं डिजर्व भी करता हूँ गालियाँ इररेगुलरिटी के लिए फिर बोलता हूँ मैं मजे नहीं मार रहा कहीं पर परिस्थिति ऐसी है उसके लिए सॉरी बोल सकता हूँ सबसे इररेगुलरिटी के लिए टेक केयर बाय बाय